हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ, बिल्कुल अलग हटकर केस है। ऐसा केस जिसको आप देखकर अंदर से खुशी महसूस करोगे, बहुत अच्छा एहसास करोगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा कि ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी चमत्कार होता है। बिल्कुल चमत्कारिक केस आपके सामने है। ये भैंस को दुआ जा रहा है, भैंस को पसाया जा रहा है। और भैंस का दूना तो एक नॉर्मल चीज़ है, दुआ जाता है, पसाया जाता है सभी भैंस, लेकिन इसमें ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि ये भैंस का दूध निकालते हुए हम खुश हैं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ इसके साथ घटी है? उस चीज़ के से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ है इसको। ये देखिए, दूध भी लगभग पूरा दे रही है, दूध में कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर ये दूध दे रही है तो भैंस को दूध देना भी चाहिए, गाय है गाय को दूध देना भी चाहिए। तो दूध दे रही है, कौन से ऑपरेशन के बाद भी ये दूध दे रही है? लवारे को लगा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। लवारा भी जिंदा निकला है, भैंस भी बिल्कुल ठीक है और दूध भी पूरा दे रही है। ये केस था सीजरन सेक्शन इन बफेलो, और इसको ऑपरेट किया गया था। और ऑपरेट करने के बाद ये इसके सूचर निकाले जा रहे हैं। 8 से 10 दिन के अंदर हम सूचर निकालते हैं, और ये सूचर निकालने के बाद ये आपको घाव दिखाया जाएगा और उस मालिक से भी बात कराई जाएगी जिसकी ये भैंस है, कि उसने किन परिस्थितियों में ऑपरेशन कराया था, क्या उसको हुआ था। गाय भी ठीक है, भैंस भी ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन फॉलोअप के डाल रहा हूँ। जो एक मिथ है, जो एक परेशानी थी, जो लोग ये समझते थे कि पशुओं का ऑपरेशन कामयाब नहीं है, मैं पिछले 20 साल से 25 साल से इसी काम को कर रहा हूँ और मेरी जिद थी, मेरा जुनून था कि मैं एक दिन पशुपालन, पशु चिकित्सा में सर्जरी को मैं ये बता के ही रहूँगा कि एनिमल्स की सर्जरी कामयाब सर्जरी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दम के साथ कराइए। तो आज की तारीख में सीजरन सेक्शन इन बफेलोज, इन काउ, गोट, शीप, दुम्मी, इसमें सब में मैं करता ही रहता हूँ और बेहद बेहतरीन रिजल्ट के साथ सर्जरी की जाती है, सर्जरी होती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये ऑपरेशन है, फॉलोअप केस है, और ये सूचर निकाले गए हैं। और सूचर के बाद ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश सूचर निकले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। ये सूचर का तरीका है, सूचर को 8 से 10 दिन में 12 दिन में निकालते हैं। और ये भैंस बिल्कुल 1 महीने के बाद की देखिए, कहीं कोई भी लग भी नहीं रहा कि कहीं से इसका ऑपरेशन हुआ है, एकदम बिल्कुल ठीक है। पहले हमने 8 से 10 दिन बाद सूचर निकाले, सूचर निकालने के बाद ये फिर देखा, फिर गाय भैंस बिल्कुल पूरा दूध दे रही है। बार बार गाय का नाम आता है, चूँकि गाय में सर्जरी बहुत करता हूँ, गाय को बहुत देखता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अलर्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन, एकदम चमत्कारिक ऑपरेशन। ये देखिए, कहीं लगता ही नहीं है कि इसको ऑपरेट किया गया है। तो सीजर सेक्शन लोगों के जो मिथ था उसको निकालने के डालता हूँ। गांव में किया गया, फील्ड कंडीशन में किया, उन्हीं लोगों के बीच में किया, वो किसान मालिक बहुत खुश है। उसने कहा, सर मेरा इंटरव्यू डालिए, कितनी सारी भैंसें, कितनी सारी गाय बकरी मर जाती थी इस ऑपरेशन के अभाव में। इस ऑपरेशन को लोग नहीं कराते थे, लोग डरते थे, लेकिन आज जितने लोग भी मेरे संपर्क में हैं, मेरे साथ हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऑपरेशन में पशु बचते हैं। अब तक कहते थे ऑपरेशन में पशु नहीं बचते, लेकिन अब ये लोग कहने लगे, नहीं, ऑपरेशन कामयाब है, ऑपरेशन में पशु बचते हैं और बच जाते हैं, ऑपरेशन कराना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है कि पशुओं की जान को बचाने के लिए आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन हर इंसान को, जो भी पशु उसका बीमार है, उसको सोचे कि उसका ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक एंटीबायोटिक लगती है, और ये बीटाडीन लोशन लगता है, इसको हीमैक्स लगती है, और ये बिल्कुल पशु ठीक हो जाता है, पूरा दूध देने लगता है। अब मैं चाहूँगा कि इस किसान का, इस पशुपालक का भी आपसे रूबरू करा दें, उसको भी हम बता दें, और ये भी पता चल जाए ये गाय कहाँ की थी, ये भैंस कहाँ की थी, इस भैंस को क्या हुआ था। अब आपके सामने बहुत ही जल्दी पशु मालिक आने वाले हैं, जो 2 शब्द आप लोग के लिए कहेंगे, इस गाय के, इस भैंस के बारे में बताएंगे कि मेरे भैंस को कैसे कैसे, क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या तकलीफ़ थी। तो अब आपके सामने ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पशु मालिक, काफ़ी जागरूक। अब आपके सामने पशु मालिक। गांव कौन सा है ये आपका? गांव कानियाडी है और जिला गौतम बुद्ध नगर है जी। जेवर के पास? जी, जेवर। कब हुआ था इसको ऑपरेशन? जी, 4 जनवरी को हुआ था, खान साफ करके गए थे। अच्छा, तो आज हम इसके आज टाँके निकाल दिए। जी जी जी। आपने दूध कितने दे रही है ये? दूध चाहिए 7 लीटर सा दे रही है जी। चारा भी फुल तो नहीं आई है, पर खारी है, ठीक है।
अब आपको लग रहा है जो आप मतलब आपके दिल में बहम आ कि बचेगी या ना बचेगी बचेगी वो तो जी बहम था पहले बिल्कुल लवारा एकदम फिट है जी। इनकी भैंस का ऑपरेशन किया गया था करीब 20 दिन पहले। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। लाइक अगर कोई किसान मित्र जैसे पे उन्हें लगे अगर उनका बच्चादानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो मैं यही आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर साहब से संपर्क करें। इनके यूट्यूब चैनल है वेट सर्जरी के नाम से, उस पर जाके और ये आके अपना ट्रीटमेंट देके जाएंगे और सी सेक्शन भी करा लें। कोई इसमें इतनी बड़ी नहीं है कि भाई आगे की नहीं होगी, बिल्कुल होगी आगे की भी, हर चीज़ दूध भी दूध पर भी आएगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब का करना चाहते हैं।